लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण का मतदान आज शाम तक पूरा हो जाएगा। इसी बीच इंडिया गठबंधन की नई दिल्ली में बैठक शुरू हो गई है। यहां बैठक लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। बैठक कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर चल रही है। बैठक में टीएमसी को छोड़कर बाकी सभी दल के नेता शामिल हैं। वहीं बैठक से पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दांव चल दिया है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर इस आम चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो देश के प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी उनकी पहली पसंद है। खड़गे ने यह भी बताया कि उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर जोर दिया था, पर प्रियंका ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पंजाब के सीएम भगवंत मान, आप सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव समेत विपक्षी गठबंधन के सभी प्रमुख शामिल हो गए हैं। तेजस्वी के साथ वीपीआई चीफ मुकेश साहनी भी बैठक में पहुंचे हैं। मुकेश साहनी इंडिया गठबंधन की बैठक में पहली बार शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और झारखंड के सीएम चंपई सोरेन भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सामान्यवत समिति में शामिल अहम दलों के नेताओं को बुलाया गया है। इसी बैठक में कुल 15 दलों को न्योता दिया गया है। आईएनसी से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, एनसीपी से शरद पवार, जितेंद्र अडवाणी, डीएमके से टीआर बालू, शिवसेना से अनिल देसाई, आम आदमी से केजरीवाल, भगवंत मान, राघव चड्ढा, आरजेडी से तेजस्वी यादव, सीपीएम से सीताराम येचुरी, जेएमएम से चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन, एनसी से फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी से महबूबा ने आने की हामी भरी थी लेकिन आई नहीं, समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव और अखिलेश यादव, सीपीआई से डी राजा, सीपीआईएमएल से दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी से मुकेश साहनी, टीएमसी और पीडीपी इन दलों राजनीतिक दलों से कोई शामिल नहीं हुआ। इंडिया अलायंस की बैठक में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती शामिल नहीं होंगी। सूत्रों ने कहा कि वह अपनी निजी व्यस्तताओं के कारण ऐसा नहीं कर पाएंगी। लोकसभा चुनाव और चक्रवात रेमल हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। ममता के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी आज बैठक में नहीं भाग ले पाएंगे। आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने बताया कि आज इंडिया गठबंधन की शीर्ष नेतृत्व की बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बुलाई गई है। चुनाव देश के लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पर्व है। मैं लोगों को अपील करूंगा कि लोग भारी तादाद में निकलकर वोट डालें। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि बैठक में हमारे गठबंधन और चुनाव के संबंध में बातचीत होगी। इंडिया गठबंधन को अच्छी सीटें मिलेंगी। बैठक को लेकर लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने तंज कसा है। चिराग ने कहा कि बैठक में डिसाइड किया जाएगा कि किसके यहाँ मटन पार्टी होगी। इंडिया गठबंधन के नेताओं को चिंता इसी बात की है कि कैसे ये बनाते हैं। इसकी रेसिपी शेयर कर दीजिए। चिराग ने दावा करते हुए कहा कि उस दिन प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने की तैयारी कर रहे होंगे।